आइए। सो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेटे हम बात करने जा रहे थे कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या है। इसमें आप अपने फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी जो है बेटा, उस टोटल एनर्जी को प्रूव करेंगे कि किसी भी पॉइंट पर ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वो फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, नहीं बदलती है। इसका उल्टा भी आज आपको करवा दूंगा मैं कि अगर आप बॉडी को आप वर्ड थ्रो करते हो तो कैसे हम वर्कआउट करेंगे। इसका स्टेटमेंट पार्ट है जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बेटा, इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनदर। टोटल एनर्जी बच्चों जो है ये आपकी फिक्स रहती है, इसको अगर आप देखोगे तो इसमें एज सच कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन एक एनर्जी की फॉर्म बेटा जो है वो दूसरी एनर्जी में पुत्र जी बदल जाएगी, ये आपको उन्होंने यहाँ पे बताया है बेटी। अब डियर चिल्ड्रन, ये दो तीन सिचुएशंस होती हैं जिनमें आप ये कर सकते हो। एक तो बच्चों होता है फ्री फॉल, एक होता है आपने ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर लिया। उसके लिए भी, हाँ जी गुड़िया, एग्जाम्पल देके समझाने जा रहा हूँ बेटा। दूसरा केस होता है आपका जब आपको बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करना है। तीसरा केस आपको याद होगा, हमने सिंपल पेंडुलम के केस में भी इसको प्रूव किया हुआ है कि सिंपल पेंडुलम के केस में आप मीन और एक्सट्रीम पोजिशन पर सारी एनर्जीज बच्चों वर्कआउट कर लिया करते हो। सो डियर चिल्ड्रन, आइए पहले, सबसे पहले तो जो फ्री फॉल वाली सिचुएशन है उसकी पुत्र बात कर लेते हैं। आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है डियर चिल्ड्रन, दिस इज एट पॉइंट ए बेटा, ठीक है जी। और ये इनिशियली बेटे रेस्ट पे है। मास इस बॉडी का एम आप मान लेते हैं, जैसे हमने मान लिया। इसको आपने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करने का मतलब होता है इनिशियली जीरो वेलोसिटी है। ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये मूव करते करते बच्चों बी पॉइंट पे पहुंच गया, दिस इज पॉइंट बी। बी पॉइंट पर अब ये रेस्ट पे नहीं होगा क्योंकि इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है ये, तो इसका मतलब है कि यहां पर इसकी वेलोसिटी बच्चों बी के बराबर हो गई, ठीक है बेटा। और ये आपने इसको मूव करना अलाउ किया हुआ है नीचे की डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये यहां पे जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड पहुंच गया। इसकी वेलोसिटी यहां पर आपने बी डैश मान ली। और फर्दर मोर बेटे आपका यहां पर अगर हम कंसिडरेशन लें हाइट का, कि टोटल हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की, इसको सी पॉइंट बोल दें, तो डियर डियर चिल्ड्रन आपके ऑब्जेक्ट की ग्राउंड लेवल से टोटल हाइट आपने एच के बराबर की बच्चों मान ली हुई है। ये टोटल हाइट है आपका ऑब्जेक्ट ए से बी तक जब पहुंचा तो इसने एक्स के बराबर का डिस्टेंस कवर किया, और इसका मतलब हुआ कि ये जो डिस्टेंस बचा है दिस इज एच माइनस एक्स के बराबर का डिस्टेंस जो है ये बच गया है। इट इज लाइक दिस। ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एनर्जी जो है इट इज बेटे सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड बेटा पोटेंशियल एनर्जी, यही दोनों एनर्जीज का सम। हाँ जी, दिस इज एट ए बेटा, दिस इज एट पॉइंट ए, टॉप पे हम बात कर रहे हैं, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। तो इसमें सर टॉप पे जो भी वो पोटेंशियल स्टोर कर रहा है, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरी पोटेंशियल
आपके सामने प्रूव कर देनी, चिंता क्यों करते हो, हम एक एक फिगर निकाल के रखते हैं यहाँ पर। वाई यू आर वरीड? काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू, इसका जनरल फॉर्मूला 1/2 mv² है, वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, जीरो, पुट कर दे, ये लीजिए कर दिया, कितना बना, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट देयर, बिकॉज अदरवाइज भी हमें पता ही है ना कि ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं। अब पोटेंशियल एनर्जी बताइए, एम इंटू जी इंटू एच, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है, हाइट बच्चों कितना है, बड़े एच के सेंटर में नहीं, कैपिटल एच के बराबर है ना, तो इसको मैं एम जी एच लिख देता हूं। इन दोनों की वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करने पे हमें बच्चों टोटल एनर्जी मिल जाएगी। सो टोटल एनर्जी दिस इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच, ये आपके पास डियर चिल्ड्रन आपके ऑब्जेक्ट की ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी बन गई। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जितनी भी इसके पास एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में पड़ी है, काइनेटिक है ही नहीं है, समझ गए ना बात, काइनेटिक नहीं है, सारी एनर्जी पोटेंशियल ही है बस, राइट। छोड़ देते हैं अभी, छोड़ते हैं, आप चिंता क्यों करते हो, इसको छोड़ दिया आपने, ड्रॉप कर दिया। इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड रीचिंग अप टू पॉइंट बी, अब बी पॉइंट पर आ जाए, आइए चलें बी पॉइंट पे देखें क्या होता है। बी पॉइंट पे भी हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, सो एट पॉइंट बी टोटल एनर्जी आपकी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर है। लेकिन बेटे एक समस्या ये है कि यहाँ पे हमें वी पता नहीं कितनी है, हमें वी निकालना पड़ेगा, तो वी निकालने के लिए बच्चों क्या किया जाए, हाँ हाँ हाँ, इज इक्वल टू ए किसके बराबर, यस वेरी राइट, आप थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, बिकॉज फ्री फॉल है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी गुड़िया एस किसके बराबर है, एस किसके बराबर है, एक मिनट उसको मौका दिया है, बोलो, दिस इज कवर्ड बाय द बॉडी ए, बाय दिस बॉडी फ्रॉम ए अप टू बी, हाँ जी हाँ जी बेटे जसलीन गुड, हाँ जी इट इज, बेटे जान से बोलो, एक्स एच नहीं, एक्स यहां से यहां तक एक्स के बराबर डिस्टेंस लिखा तो है, आपको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, एस इज इक्वल टू एक्स, और यू कितना लिखूं, लिखा हुआ है बच्चों, आप क्या करते हो, जीरो पुट कर दिया, आइए देखें, बी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर टू जी एस एक्स एच नहीं एक्स राइट, तो वी का स्क्वायर कितना बन गया, टू जी एक्स, हमें देखो वी का स्क्वायर चाहिए होता है ना काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं 1/2 m, तो ये सीधा ही पुट करते हैं, आइए फिर कर देते हैं, दिस इज 1/2 m 2gx, 2 से 2 आपका कैंसल आउट हो गया, एम जी एक्स के बराबर आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बच्चों, बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जनरल फार्मूला हमारे पास बच्चों होता है इसका एम इंटू जी इंटू एच, बी पॉइंट की ग्राउंड लेवल से डियर चिल्ड्रन हाइट कितनी है, इट इज एच माइनस एक्स, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो पोटेंशियल एनर्जी इट इज एम जी एच माइनस एक्स, तो ये आपके पास आ गई, ये आपके पास आ गई, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी बेटा। सो वी विल से दैट इन दिस केस टोटल एनर्जी जो है
ये 1/2 m वी स्क्वायर, तो आपने सॉरी पूरा निकाल ही रखा है, एम जी एक्स के बराबर है ये, एम इंटू जी इंटू एक्स है, पोटेंशियल एनर्जी एम इंटू जी इंटू एच माइनस एक्स है, इट इज एम इंटू जी इंटू एक्स, एम इंटू जी इंटू एच, एम इंटू जी इंटू एक्स, दिस इज गेटिंग कैंसल्ड, दिस इज एम इंटू जी इंटू एच, दिस इज टोटल एनर्जी बेटा। तो आपकी टोटल एनर्जी देखो फिर उतनी आ गई जितनी ए पॉइंट पे थी, कोई इसमें आपको चेंज नहीं नजर आ रहा। लेकिन अगर हम इसको कंप्लीटली एनालाइज करें तो जैसे जैसे बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आ रही है वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, अब बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो है, कुछ वैल्यू है उसकी, और पोटेंशियल एनर्जी देखो एम जी एच में से कुछ फैक्टर निकल गया, कम हो गई, कुछ आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की कम हुई है इन कंपैरिजन टू द ए पॉइंट, राइट बेटा। अब चलें सी पॉइंट पर, कोई डाउट सो फार आपको इसमें? ओके हाँ जी, कहां पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दिया, ये काइनेटिक एनर्जी आपने निकाली है, ये पोटेंशियल निकाली, इसकी वैल्यू लिख दी और कुछ भी नहीं किया, टोटल एनर्जी निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दिया, क्लियर। एक बात आपको बैठे सजेस्ट करूंगा सारे स्टूडेंट्स, अगर आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिख लो ना कहीं, तो बेटे आपको कभी ये पॉइंट जो है जैसे आपको थोड़ी बहुत छोटी मोटी कई बार लगता है कि पता नहीं कहाँ से आ गया है, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी, और आपका जो है हैंड राइटिंग तो इम्प्रूव होगा ही होगा, आपका बेटे जो है साथ ही साथ रिवीजन भी हो जाता है, आपको घर जाकर फिर इन चीज़ों को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये साथ साथ लिखने के बड़े फायदे होते हैं, ठीक है, समझ गए ना? हाँ जी समझ गया गुड। सी पॉइंट पे चलें सी पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं और कैसे करेंगे, लेट अस कंसंट्रेट एट पॉइंट सी बेटे। टोटल एनर्जी तो फिर आपकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम ही होगी बेटा, और अगर इसको आप इनका सम बोलोगे, देखिए सी पॉइंट पर आपका ऑब्जेक्ट का जो हाइट है ये जीरो के बराबर है, इट इज जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, हाइट प्रैक्टिकली जीरो हो गया, इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये जीरो हो गई, टॉप पर सिर्फ थी पोटेंशियल एनर्जी, बॉटम पर जीरो हो गई, कहां गई सारी एनर्जी, काइनेटिक में बदल गई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 एम बी डैश का स्क्वायर, बी डैश है ना यहाँ पे हमारा, अब बी डैश हमें पता नहीं है, फिर वही प्रॉब्लम, इसके लिए क्या करें, निकालना तो पड़ेगा ना, हमें बी डैश पता होगा तभी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे पुत्र, वो लास्ट पुत्र, आप बी डैश के लिए क्या करें, एक मिनट, बी डैश कैसे निकालें, हाँ जी बोलो बोलो, शाबाश, कुछ कह रहे थे आप, वेरी नाइस, आप टी है, टी हमारे पास है नहीं, फिर क्या करें, तो बड़ी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही रह गई, यस बी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी कर देता हूं मैं, लेकिन टी तो है नहीं, है? हाँ यस दिस शुड बी देयर, थर्ड इक्वेशन लगाना होगा हमें, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यू कितना है, जीरो, और s कितना है, कितना नहीं, अब आप देखो ना टोटल तो हाइट, इसने टोटल डिस्टेंस तो h कवर किया है ना a से लेकर c तक, तो s मस्ट बी इक्वल टू h, और a बच्चों जी के बराबर, ठीक है जी, ये वैल्यूज डाल दीजिए, बी स्क्वायर
वी डैश का स्क्वेयर लिखेंगे माइनस जीरो का स्क्वेयर टू इंटू जी इंटू एच, ये वी डैश के स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई वन बाई टू एम, वी डैश का स्क्वेयर बन गया टू इंटू जी इंटू एच, ये आपका कैंसिल आउट हो गया और दिस इज एम इंटू जी इंटू एच, इनको दोनों को आप ऐड कर दो आपका टोटल एनर्जी आ जाएगा, इट इज वंस अगेन एम इंटू जी इंटू एच। सो आपने देखा टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रही है, लेकिन जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट ग्राउंड की तरफ आ रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, या आप ऐसे भी कह लो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डाउन आ रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जा रही है, लेकिन टोटल एनर्जी इसमें कोई चेंज नहीं। क्लियर टू ऑल? चले आगे। अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल दूं आपको, करोगे आप पक्का? चलिए फिर करें स्टार्ट। लिखो बच्चों फिर इस पे बेस्ड एक छोटा सा प्रॉब्लम लिख लो, फिर आगे चलते हैं। लिख लीजिएगा बेटे, ए बॉल हैविंग ए मास ऑफ, ए बॉल हैविंग ए मास ऑफ, बढ़िया लिख लो, अपनी तरफ से लिखवा रहा हूं, बुक पे नहीं है ये। ए बॉल हैविंग ए मास ऑफ 200 ग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 15 मीटर्स, इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 15 मीटर्स, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल हाफ वे डाउन। आप अपने ऑब्जेक्ट को हाफ वे डाउन लेके आ रहे हो, इसकी आपको बेटे काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी दोनों निकालने हैं, मिड पॉइंट पे कह लो या हाफ वे डाउन कह लो, एक ही बात है। लगाओगे दो मिनट सारे बच्चे? बेटा इस तरफ भी आप भी लगवाइएगा बेटे दो मिनट, फिर मैं भी सॉल्व करता हूँ, देन वी विल मैच आंसर्स। ऑल ऑफ यू बेटा टेक टू मिनट्स डियर चिल्ड्रन। दो मिनट लगाइएगा सारे स्टूडेंट्स बेटा, कंपेयर कर लीजिए। सो आइए देखें बेटा, टोटल एनर्जी आपकी बॉल की एट दिस हाइट कितनी होगी, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर है, ये तो हमें पता ही है। अब टॉप पर काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं जब आपने ड्रॉप नहीं किया, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज एम जी एच बेटा। मास कितना है 200 ग्राम, इसके बना लिए किलोग्राम, जी 10 ले लेता हूं, एच 15 है, एक दो तीन, एक दो तीन, 30 जूल्स आपकी टोटल एनर्जी बन गई है। ठीक है जी, आपने अभी अभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कहा है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पर है या मिड पॉइंट पे है या बॉटम पे है, टोटल एनर्जी तो नहीं बदलती। इट विल मीन दैट कि एट द मिड पॉइंट टोटल एनर्जी जो है दिस इज 30 जूल्स के बराबर है ना? मैं टोटल एनर्जी कह रहा हूं, वो तो उतनी रहेगी। आपने अभी अभी प्रूव तो किया है टोटल एनर्जी तीनों पॉइंट से सेम थी, किया है ना? समझ आ गई बात? अब टोटल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है। टोटल एनर्जी की जगह पे मैं ये लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? हाफ वे डाउन का मतलब है हाफ वे में हाइट कितनी बन गई, 15/2 बन गई, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ वे डाउन कितनी हो गई फिर, एम इंटू जी एच कितना था 15, तो एच बाई टू कर दो, दिस मस्ट बी इक्वल टू 30 आएगा, है ना? तो हम बेटे अब
एच की वैल्यू के साथ साथ एम और जी की वैल्यूज भी डाल देते हैं एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस। काइनेटिक एनर्जी प्लस ये 200 ग्राम, ये इसके बन गए किलोग्राम, जी आपका 10, एच आपका 15/2, ये 30 के बराबर, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। काइनेटिक एनर्जी प्लस 15 = 30, काइनेटिक एनर्जी इट इज 15 जूल्स, इतनी बन गई, ठीक है जी। इसका डायरेक्ट मीनिंग ये हुआ कि आपका 1/2 इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर 15 के बराबर है। आपको मास भी पता है, उसकी भी वैल्यू डाल दो, वी निकल जाएगा। करोगे आगे? अब तो करिए फिर, करिए। अब 2 को उधर ले जाता हूं मैं, मास है 200, ये बन गए किलोग्राम उसके, इंटू वी का स्क्वायर 15 इंटू 2 इधर ले गया मैं, 1, 2, 1, 2, ठीक है। 2/10 1/5 होता है वी, हाँ जी 5, वी बन गया 5√6 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है जी। बोलो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यस यस डेफिनेटली, अगर आप थर्ड इक्वेशन लगा दोगे तो भी निकल आएगा वी, इसमें कोई आपका बेटी गलत वाला बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। समझ आ गई सारे बच्चों को? चलें आगे, कोई पॉइंट है फिर भी तो बताइए। राइट, एक और ऐसा कर लें, लेकिन आप करोगे फिर, आप पीछे रह जाते हैं, ठीक है। लिखिएगा फिर बेटे, ए बॉल हैविंग मास 100 ग्राम, ए बॉल हैविंग मास 100 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 50 meters, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी हाफ वे डाउन। अब तो आपको कर लेना चाहिए ये, है ना, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है, बस ये मैंने नंबर्स बदल दिए हैं। अब आप कोशिश करोगे, 2 मिनट लगाओगे बच्चों। 25 जूल्स, बिल्कुल ठीक है, मैच कर लिया आपने। एंड व्हाट अबाउट वेलोसिटी बेटा, इतनी है? मैं भी निकाल दूं? ओके, सो डियर चिल्ड्रन, टोटल एनर्जी आपकी इतनी हाइट पर आएगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी 100 / 1000 किलोग्राम में बन गया, जी इज 10, एच इज 50, 1, 2, 3, 1, 2, 3, दिस इज बेटा 50 जूल्स बन गई। अब हाफ वे डाउन जब आप आ जाओगे, हाफ वे डाउन हाइट एच डैश बेटा 1/2 ऑफ एच हो जाएगा, सो पोटेंशियल एनर्जी हाफ वे डाउन बन गई एम, इसके बना लिए किलोग्राम, जी 10, एच कितना था 50/2 कर दें, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 5s are 10, 5 5s are 25, तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी टोटल में से, इसको पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करके। सो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो है मिड पॉइंट पर, काइनेटिक एनर्जी एट द मिड पॉइंट, इट इज टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी 50 जूल्स माइनस 25 जूल्स, दिस इज 25 जूल्स बन गई काइनेटिक एनर्जी,
इसको बेटे इसकी फॉर्मूला से इक्वेट कर दो, 1/2 मास है 100, ये इसके बना लिए किलोग्राम, बी का स्क्वायर आपको चाहिए ये 25 के बराबर, 1 2 1 2 2 10 20, बी का स्क्वायर बन गया 25 × 10 × 2 कर दें 500 आता है ये पूरा, सो वी बन गया फिर 10√5, ठीक है जी, इतना ही बना। वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेटमेंट पार्ट ओनली फ्रॉम योर साइड, व्हाट डू वी मीन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेटमेंट, कोई बच्चा आप में से सुना दे, एनीवन, बोलिए, एक मिनट बेटे, हाँ जी आप बताना चाह रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेटमेंट, सिर्फ हाँ जी आप बोल दीजिए, वेरी नाइस वेरी नाइस। धीरेन कुछ कहना चाहता है, यू आर अनम्यूटेड बेटा धीरेन। सर आई वांट टू से द डेफिनेशन, सो आई रेज द हैंड, बताइए स्टेटमेंट पार्ट। सर द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एमवी स्क्वायर माइनस हाफ एमवी स्क्वायर। बिल्कुल ठीक वेरी राइट बेटा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें कह देता है कि जो वर्क डन है डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुआ करता है। और अगर मैं इसको लिखूं मैथमेटिकल फॉर्मूला की फॉर्म में, तो वर्क डन डब्ल्यू जो है दिस इज 1/2 mv² माइनस 1/2 m × u का स्क्वायर, ये आपके पास बेटे आपका फॉर्मूला जो है वर्क डन के लिए ये बन जाता है इन दिस मैनर बेटा। सो इसको आप बेटे अकॉर्डिंगली यूज करके, कई बार हमें वर्क डन निकालना होता है, कल भी हमने एक न्यूमेरिकल किया था कि ये कार है 1500 किलोग्राम उसका मास है, उसको आपने 30 km/h की स्पीड से 60 km/h की स्पीड पे लेके जाना है, तो आपको या इंजन को, कार के इंजन को या आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट वाज नीडेड, तो वी विल डायरेक्टली अप्लाई दैट वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, तो वेलोसिटीज आपके पास रहती हैं, हम सीधा डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर बेटा, कोई और पॉइंट हो आपका पूछने वाला बताइए, ऑल वेल, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे, थैंक यू ऑल बेटा।